हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? तो आज मैं स्टोरी लेकर आई ननंद भाभी पर। अब इसमें क्या है, नंद बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो क्या है, आपको मैंने बताया था, अब मैं आगे इसकी स्टोरी। उससे पहले, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ननंद भाभी की स्टोरी। भाभी क्या है, बहुत गरीब घर से है, ठीक है, जो इनकी मतलब भाभी उसकी बहुत गरीब घर से है कि रोटी खाने को भी नहीं है। अब वो इस घर में आ जाती है, तो अब ननंद चाहती है इस घर में मेरा ही राज चले, तो इसी घर में टिक गई है, घूमती है, फिरती है, सब कुछ करती है। मतलब अपने ऊपर की वो लड़की सबसे बड़ी है घर में, भाई बहुत छोटा है, लास्ट का भाई है तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो बहन सबसे बड़ी है तो वो हुकुम चलाती है। भाभी भी नहीं बोलती, नाम लेके बोलती कि उसका ओहदा बड़ा है। और फिर आपको हंसी आने वाली है, वो लोगों के आगे ना ऐसे दिखाते हम कितने रईस हैं। और बहू की बुराई, मतलब अपनी भाभी की बुराई पे बुराई करती है। इसके पियर में तो खाने को ही नहीं है, हम तो अपने बच्चे भेजते ही नहीं है। इसके उसके दो दो भतीजे हैं, वो अपने भतीजे भेजती ही नहीं है। अरे बेटी है, अपनी माँ के घर तो जाएगी, माँ के घर जाना बंद कर दिया, हम नहीं भेजते, तुम्हारा मोहल्ला बहुत गंदा है। अरे अब वो वहीं पैदा हुई है, वहीं उसने जन्म लिया, क्या तुम तो अपनी माँ के घर पड़ी रहो, और बहू अपनी माँ के घर ना जाए, ये कौन सा रूल है, मुझे ये समझ नहीं आता। तुम तो अपनी माँ के घर पड़ी और बहू अपनी माँ के घर ना जाए, तुम्हारी बच्ची तो यहाँ पड़ी है नाना नानी के आराम से, क्या बच्चे अपनी नाना नानी के ना जाए, मामा से ना मिले? ना जी, ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे को ना हम नहीं भेजेंगे, वहाँ टोटका कर देंगे, वहाँ कोई नज़र लगा देगा, वो एरिया थोड़ा ऐसा है, अजीब सा है, वहाँ कोई पकड़ लेगा, बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी, ये वहाँ पियर जाती है तो अपने में मस्त हो जाती है, बच्चों का कुछ हो जाएगा। अरे लड़के हो गए, कहूर के परे हो गए, लड़की नहीं हुई है, पर ये है भतीजे है, भतीजी नहीं है, तो ये है, बहू को तो पियर जाने देते नहीं है, जाएगी तो माना टोका, कई साल हो गए बहू जाती नहीं है अपने पियर, बच्चों को यही नहीं पता नाना नानी होते क्या है, क्यों कभी गए नहीं नाना नानी के घर, और अपने यहाँ सारे दिन पड़ी रहती है वो, आग लगाने वाले काम भिड़वाने, खुद कहीं जाएगी, कोई संसंग में जाएगी, कोई मंदिर में जाएगी, ननंद कोई बस जाती है तो वहां फौरन तैयार, बिस्तर तैयार। अरे बहू को भी तो भेजो, बहू को साथ लेके जाओ ना, भाभी को साथ लेके नहीं जाती। इसके तो बहुत धीरे हाथ काम चलते हैं, सुबह मशीन लगाएगी तो रात तक चलती जाएगी, मैं तो 1 घंटे में कपड़े धो लेती हूँ, ननद ऐसे बोलती है। और भाभी, अरे कर तो रही है बेचारी, हल्का करे तेज करे, हाथ जैसे चलते बेचारी के, कर तो रही है, अब वो क्या है, यहाँ दबके रह रही है, उसका रास्ता बंद कर दिया भैया, गरीब घर से बिल्कुल ही, कहाँ जाएगी, अब वो शादी कर कर यहाँ आई है तो भैया वो तो वहीं रहेगी ना, और वो बेचारी दबके भी रहती है, बोलती है पर इतना क्या बोलेगी, वो बोलती है पर ननंद उसका फायदा उठा रही है, उसके आदमी ने उसको तो छोड़ दिया, मारता था पीटता था, अब भैया मारेगा पीटेगा, तुम इतनी चंट चलाक बनती हो, एक बेटा है उसका ननंद का, वो भी नहीं टिकता, क्यों उसको नौकर बना के रखते हैं, ये कपड़े धो, वॉशिंग मशीन सफाई कर, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो, सुबह बंदा ड्यूटी पे जा रहा है, 10 बजे ड्यूटी पे जाना है तो उसको 7 बजे उठा देगी, भैया तुम्हें कमा के भी दे, तुम्हारा सारा काम भी करे, भैया ऐसे कौन टिकेगा, मान लो 10,000 रुपये वो कमा रहा है, उसमें से वो अपने पास क्या रखेगा, उसका मुंह चेक करेगी, दारू तो नहीं पी रहा, सिगरेट तो नहीं पी रहा,
अरे भैया इतनी पाबंदी तो कोई भी नहीं करता, आदमी भग ही जाएगा, वो भग जाता है अपने बाप के पास, वो अपने पापा के पास ही रहता है। फिर ये करेंगी पाठ पूजा ढोंगी, ये कर लेंगी 2 महीने व्रत कर लेंगी, 4 महीने व्रत कर लेगी, फिर कर लेगी, बच्चा कुछ अपने साइड हो जाता है, जब देख कोशिश तो जब बंदा आ रहा है तुम्हारे पास बच्चा आ जाता है, ऐसे कुछ टोटके वोटके करवाती हैं तो ननद का लड़का आ जाता है। फिर वो काम करवाती रहती, भैया तुम्हें 10,000 रुपये फिर कमा रहा है, कुछ तो रखेगा अपने पास भी, मान लो 5,000 रुपये रखेगा, 5,000 तुम्हें दे रहा है, वो भी गुटखा तो नहीं खा रहा, कभी कुछ तो नहीं कर रहा, भैया इतनी CID करते हैं, वो भी चलो छोड़ो। अब ननंद भाभी पे ऐसा जोर जगाती है, पलंग पे धरी धरी ना बैठी रहेगी, आवाज देगी, लेकर आई हो तू रोटी, लेकर आई हो सब्जी, लेकर आई हो, तेरे हाथ नहीं चलते, तेरे बर्तन 2-2 घंटे लगाती तू बर्तन मांजने, मतलब हर चीज में टोका टाकी करती है, कोई आ जाए तो गेट भी खोलेंगी, वो ही खोलेगी, मतलब एक टू जेड ननंद है भाई, तो ननंद की तरह रहना। ननंद को ये भी सोचना चाहिए कि तू खुद भाई के घर में पड़ी है तो तेरे को काम थोड़ा करना पड़ेगा, ननंद है भाई, तो थोड़ा ना तू काम नहीं करेगी, बर्तन नहीं उठाएगी क्यों, बड़ी है, अरे बड़ी है इतनी बड़ी भी क्या है, तू भैया बर्तन नहीं उठा के रखेगी, अपने सब्जी ला के दे दी, ऐसे आसान जमाती है, अरे महीने में तुम हफ्ते में सब्जी ला रहे हो, रोज तो नहीं जा रहे, घर का सामान महीने का आ रहा है, फिर भी दिक्कत है, सारा काम तो मैं ही करती हूँ, बाहर की शॉपिंग, चप्पल भी खुद लेकर आती है बहू की, सूट भी बहू के, वो भी रो के लेकर आती है, ले पहले ऐसे, पति पैसे तो उसके पति दे रहा है, जे देखो पैसे तो उसके भाई दे रहा है ना, और उसकी बीवी के लिए, फिर ना कोई छत पे बैठी रहेगी चुगली करती रहेगी, अपनी माँ से बात करेगी, माँ बैठी होती है छत पे, बेटी मम्मी मैं आज आएगा ना शाम को, मैं उसके ना पैसे बंद करवा दूंगी, चप्पल ली, अरे तुम चप्पल ला के दे रहे हो, कहते ले पहन ले, भैया उसको बंदे को लेके जाओ ना, उसकी पसंद भी तो होनी चाहिए कि अच्छी लगी चप्पल नहीं लगी, भैया हर किसी की अपनी पसंद होती, वो ननद की पहन देगी क्या पसंद की, कह रही नहीं पहनेगी तो मैं ले लूंगी, नहीं तो उसको दूसरी बहन को दे दूंगी, ये बेटी ये सोचती है, कहती उसके ना पैसे बंद करवा दूंगी, बहू के बड़ा पैसे देता है वो देता है, मतलब इतनी हरकतें, बहू की हिम्मत दांत चुप रहती है, बोलती है भैया पर ये है आवाज नहीं आती, बंदे बोलता है, रूस के बैठ जाती है, बहू क्या करेगी वो, अब कहीं जा तो सकती नहीं है, कहीं भाग तो सकती नहीं है, तो ये है ननंद भाभी की स्टोरी, ननंद बहुत ज्यादा दुश्मन है भाभी की, तो मतलब यार इतना भी नहीं करना चाहिए, जब तुम किसी और के अकॉर्डिंग तुम रह रहे हो, तुम्हारा सब चीज का खर्चा उठा रहा है तुम्हारा भाई, तो वो अपनी बीवी के लिए नहीं करेगा। अब मैं कल थर्ड पार्ट लेकर आऊंगी, तो मेरे इस चैनल पे बने रहे, जो सेकंड पार्ट कैसा लगा ननंद भाभी का तो जरूर बताना कमेंट में, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बाय बाय।